हो गई, हम तो डर गए। हंसो हंसो, आज जितना हंसना है हंस लो। कल जब मेरे दोस्त से बैडमिंटन में हार जाओगी ना, तब मैं हंसूंगी। मैं हारूंगी वो भी तेरे दोस्त से? हाँ तू हारेगी, तैयार रहना कल हारने के लिए। मैं भी देखती हूँ कल कौन हारता है। ये राखी तो अभी तक नहीं आ रही है। ओए सिमी, कहाँ है तेरी दोस्त? अभी तक नहीं आ रही है? कल तो तू बहुत बोल रही थी कि हारने के लिए रेडी हो जा। मुझे लगता है कि तेरी दोस्ती रेडी नहीं हुई अब तक। चल मम्मी चलते, लगता है उसकी दोस्त नहीं आई। हार से सबको डर लगता है। मेरी तो बेइज्जती हो रही है, ये राखी कहाँ रह गई? राखी कहाँ रह गई थी तू? अरे मत पूछ, बाद में बताती हूँ। मीमदा देख, राखी आ गई। तो चल गेम स्टार्ट करते हैं। चल बैग लेके खेलेगी क्या? मिमी तू अपने गेम में फोकस कर, मुझ में नहीं। चल मिमिता रेडी तो है ना हारने के लिए? मिमी जीतना है तुझे, याद रख। हाँ चल राखी गेम स्टार्ट कर। भूल आज तो नाक कट के रहेगी। अब गेम ओवर। यस सिमी देख, मैंने मिमी को हरा दिया। मिमी तुझे हारते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिमी तू भी ना जले पर नमक छिड़क रही है। देखना राखी, मिमी का शक्ल देखने लायक है। सिमी तुझे अच्छा लगा ना? हाँ बहुत। ये ले चल। लूजर। हार गई ना, कटा दी ना। चुप कर बुलबुल, ये चश्मिस बहुत हंस रही थी ना, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। कौन हो तुम लोग? मैंने पूछा कौन हो तुम लोग और मुझे मार क्यों रहे हो? कौन हो तुम लोग? सिमी की बच्ची कहाँ रह गई यार? सिमी 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 ओ सिमी सिमी ओ सिमी, लगता है किसी ने मारा है। सिमी उठ जा, सिमी 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 सिमी, ये सब कैसे हुआ? सिमी 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 बता, कुछ लोग थे बहुत मारा। सिमी सिमी कौन हो सकती है वो? इसे अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। सीसी कैमरा, अब तो पता चल ही जाएगा कि सिमी को किसने मारा है। सिमी सिमी अभी इसे घर ले जाना होगा। सिमी चल। कौन मार सकता है सिमी को, वो भी इतने बुरी तरीके से?
विष्णु भैया से सीसीटीवी फुटेज मांगे, पता नहीं वो भी देंगे या नहीं। अगर उन्होंने दे दिया तो साफ क्लियरली पता चल जाएगा कि सिमी को आखिर मारा किसने। विष्णु भैया, हेलो भैया। राखी, मैंने तुम्हें फुटेज भेज दिया है, पर किसी को बताना मत। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फुटेज डरा तो रही है। ये क्या, उन्होंने तो मार्क्स लगाए हैं, अब मैं पहचानूंगी कैसे? पर ये लोग तीन लोग हैं, मिमी, रिया, बुलबुल, इन तीनों का ही काम होगा। मिमी, तुझे तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं। मिमी, आज तेरी खैर नहीं। वाह वाह वाह, क्या एक्टिंग है, एक्टिंग? राखी, ये तो क्या बोल रही है? अब ज्यादा नाटक मत कर मिमी, मुझे सब पता है, तुम तीनों ने मिलके ही सिमी को मारा है ना? हमने मारा है? कब? हाँ राखी, हमने कब मारा और कहाँ मारा? सब याद आ जाएगा रिया, कि कहाँ मारा, कब मारा और क्यों मारा। राखी छोड़ दे, उसे भी एक एक्सीडेंट हुआ है, छोड़ दे, चोट लगी है। सॉरी। राखी, सच में मेरा कल एक्सीडेंट हो गया था। सॉरी मिमिता, मुझे लगा कि तुम ये सब एक्टिंग कर रहे हो, पर तुम्हें तो सच में चोट लगी है। वो क्या है ना, सिमी को ना किसी तीन लोगों ने मिलके मारा है, और मुझे लगा कि वो तीन लोग तुम लोग हो। नहीं, हम तीनों ने मिलकर सिमी को नहीं मारा है, सिमी को भला हम क्यों मारेंगे? वो कल तुम तीनों भी स्कूल नहीं आए थे ना, इसलिए मुझे लगा कि तुम तीनों ने ही सिमी को मारा है। नहीं, कल मिमी तक एक्सीडेंट हुआ था ना, इसलिए हम लोग स्कूल नहीं आए। हाँ राखी, हमने सिमी को नहीं मारा है। चल मिमी। इन्होंने तो सिमी को नहीं मारा है, पर सिमी को मारा किसने? उस सीसीटीवी फुटेज में तो मार्क्स लगाए उन तीनों ने, पहचान में ही नहीं आ रहे, पर मुझे पता लगाना होगा कि आखिर सिमी को मारा किसने। सिमी, तुझे इतनी जल्दी स्कूल आने की क्या जरूरत थी, कुछ दिन घर में रेस्ट करती ना। राखी, घर में बैठने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए स्कूल आ गई। और तुझे पता चला कि वो दिन कौन थे जिसने मुझे मारा था? नहीं सिमी, जब मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा ना, वहाँ पे तीन लोग थे, पर सबने मास्क पहना हुआ था, और मुझे लगा कि वो तीन मिमी लोग हैं। पर जब मैं मिमी के पास गई और मैंने देखा कि मिमी तो खुद व्हीलचेयर में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो तुझे कैसे मार सकती है, वो तो खुद व्हीलचेयर में बैठी हुई है। मतलब वो लोग मिमी लोग नहीं थे, थे कौन? वही तो समझ नहीं आ रहा है सिमी, कि आखिर वो लोग थे कौन और तुझे मारा क्यों। सिमी, जब तुझे वो लोग मार रहे थे, तब तो तूने कुछ सुना ही होगा ना, कुछ बातें तो कर रहे थे ना, आवाज़ पहचान सकती है? नहीं, वो लोग बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एक लड़की जब मुझे पकड़ने आई थी, उसके परफ्यूम की स्मेल पता है मुझे। इतने बड़े स्किल में कैसे पता चलेगा कि किसने कौन सी परफ्यूम लगाई है? क्या हुआ सिमी? राखी, ये स्मेल तो वही है जिसने मुझे पकड़ा था। मतलब रिया? सिमी, लगता है अब सच पता चल के रहेगा, चल। अब इसे क्या हुआ? ये रिया की बच्ची तो इधर ही आई थी। हमें इनकी बातें सुननी होगी कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं। क्या हुआ रिया, तू इतनी डरी हुई क्यों है? मिमी, बुलबुल, सिमी स्कूल आई है तो राखी भी उसके साथ है, मुझे डर लग रहा है, अगर राखी को पता चल गया सिमी को हमने मारा है तो। चुप कर रिया, धीरे से बोल, कोई सुन लेगा तो। मतलब सिमी, इन लोगों ने ही तुझे मारा है? मिमी तो व्हीलचेयर में, ये कैसे? मुझे डर लग रहा है मिमी। हाँ मिमी, मुझे भी डर लग रहा है।
डरने की कोई जरूरत नहीं है। व्हील चेयर में बैठने का भी नाटक था। और राखी को यकीन हो गया कि मेरा सच में एक्सीडेंट हुआ है। और प्लीज तुम दोनों अपना मुंह मत खोलना। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। मिमिता, तू ये व्हील चेयर से कब उठेगी? बस कुछ ही दिन और। अगर मैं ये व्हील चेयर में बैठने का नाटक नहीं करती ना, तो राखी सच में हम तीनों को व्हील चेयर में बैठा देती। मिमिता तू बैठ जा। हाँ, पर जो भी बोल, उस दिन सिमी को मार के मजा बहुत आया था। उसने मुझे लूजर बोला था ना। असली मजा तो अब मैं उसे दूंगी। रहने दे। सिमी, इन लोग ने तुझे मारा है और तू मेरा हाथ पकड़ रही है। मुझे जाने दे, मुझे उन लोगों को मारना है। हाँ, उन लोगों ने मुझे मारा है, तू अभी जाके उन लोगों को मारेगी, फिर वो लोग मुझे मारेंगे। आखिर ये मारा मारी कब तक चलता रहेगा? ये स्कूल है, कोई अखाड़ा नहीं। सिमी, मुझे समझ नहीं आ रहा है तू ये कैसी बातें कर रही है। मैं बस ये लड़ाई रोकना चाहती हूँ, क्योंकि शुरुआत तो मुझसे हुई है ना। अगर मैं उन लोगों को लूजर नहीं बोलती तो वो लोग मुझे नहीं मारते। ठीक है सिमी, जैसी तेरी इच्छा। मिमिता, तो ये व्हीलचेयर में बैठने की नाटक और कितने दिन करेगी? ये राखी फिर से झगड़ा तो नहीं करेगी ना? नाटक? ये तो क्या बोल रही है राखी? हाँ राखी, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे सब पता है कि तुम तीनों ने मिलके ही सिमी को मारा है। ये तो सिमी की बड़प्पन है कि उसने मुझे रोक लिया, वरना आज मैं तुम तीनों को सच में व्हीलचेयर में बिठा देती। मिमिता, मुझे मार के तू खुश तो है ना? और प्लीज स्कूल में लड़ाई झगड़ा मत करना। हम स्कूल पढ़ने आते हैं, लड़ने नहीं। सिमी, तू किसे समझा रही है? चल, इन लोग से बात करना ही बेकार है। सिमी, सॉरी, प्लीज माफ कर दो हमें, प्लीज। हाँ, माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ। ये सिमी ने ना आज समझदारी वाली बात कही कि हम स्कूल पढ़ने आते हैं, लड़ने नहीं। तो आप भी स्कूल में किसी के साथ लड़ते हो तो अभी जाके दोस्ती कर लो, क्योंकि आप भी स्कूल पढ़ने जाते हो, लड़ने नहीं।